नमस्ते, आज मेरे साथ प्रोफेसर राम पुन्यानी साहब। ज्यादा लोग इनको प्रोफेसर राम पुन्यानी बोलते हैं, लेकिन मुझे जब मैं इनके सानिध्य में आया तो मुझे तब पता लगा कि आप डॉक्टर राम पुन्यानी हैं, और वो भी एमबीबीएस वाले, मतलब मरीज देखने वाले डॉक्टर। तो खैर, हम लोग का शरीर देखते देखते अब हम लोग का दिमाग भी ठीक करने का काम आप करने लगे हैं, क्योंकि बहुत सी ऐसी भ्रांतियां हैं जिसपे प्रोफेसर राम पुन्यानी जी उस नजर से देखते हैं जिस नजर से हमें एक कुछ कुछ लगातार परोसा जा रहा है और हमें लगता है यही सच है। प्रोफेसर, आज मैं स्पेसिफिक कारण से मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, क्योंकि बीजेपी के साथ अभी क्या है कि ये कोई भी चीज बिना चुनाव के करते नहीं, इनकी सारी चीजें चुनाव से ड्रिवन होती हैं। अमित शाह साहब कर्नाटक जाते हैं और वहां बाकी चीजें तो ठीक है, उनका पार्टी का प्रेसिडेंट बोलता है लव जिहाद इत्यादि, लेकिन वो एक नेम शेमिंग का जो एक काम है ना बीजेपी का है कि आपको कुछ खराब बोले, वो टीपू सुल्तान की नेम शेमिंग करते हैं। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं और इस उसके साथ बोल रहा हूं, मैं एक आजकल एक नई किताब पढ़ रहा हूं, अभी आपने भी देखा होगा, शॉर्टेस्ट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये जॉन मस्क। अब इसमें वो जब हिंदुओं, जब इंडिया की हिस्ट्री ट्रेस करता है और पहले 8-10 आदमियों का नाम वो बोलता है जिसमें विवेकानंद, उसमें वो टीपू सुल्तान का नाम लेता है। अब मेरे लिए भी जब मैं बड़ा हो रहा था तो टीपू सुल्तान वाज अ मैटर ऑफ प्राइड, मुझे लगता था कि वो अंग्रेजों के खिलाफ एक ऐसा व्यक्ति लड़ा जिसने अपने वीर गति को प्राप्त हुआ, लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुआ। और उसको आज ये बताया जाता है कि नहीं, वो कुछ हिंदुओं का दुश्मन था और देश का दुश्मन था। तो पहले तो मैं जरा टीपू सुल्तान के बारे में एक आपकी शुरू वाली टिप्पणी ले लूं कि टीपू सुल्तान दुश्मन थे, राष्ट्रद्रोही थे, क्या थे, क्योंकि आज उनको जिस ढंग से डिमीन किया जा रहा है। मैं देखिए आनंद जी, बहुत धन्यवाद आपका। पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि ये जो अमित शाह अभी टीपू सुल्तान के बारे में कह रहे हैं वो कर्नाटका के चुनाव के मद्देनजर रख रहे हैं, और इनकी राजनीति एक ध्रुवीकरण की राजनीति होती है जहाँ मुसलमान राजाओं को आज के मुसलमानों के साथ जोड़ा जाता है और उनके खिलाफ ध्रुवीकरण की राजनीति को मजबूत किया जाता है। तो उन्होंने जो कहा उस पर आने के पहले, आपने जैसे कहा टीपू सुल्तान को हम समझ लें, जैसे आपने ये शॉर्ट हिस्ट्री में पढ़ा उसमें टीपू सुल्तान का भी नाम है। 2010 तक आरएसएस बीजेपी वाले भी टीपू सुल्तान को गलत नहीं कहते थे। जब वहाँ सांप्रदायिक राजनीति का उभार चालू हुआ, बाद में धीरे धीरे वो टीपू सुल्तान का नेम शेमिंग करने लग गए। मैं आपको तीन उदाहरण दे दूं। 1970 के दशक में आरएसएस ने एक सीरीज निकाली थी भारत भारती, और उसमें उसका जो एक अंक था वो टीपू सुल्तान पे समर्पित था। अच्छा, दूसरा आपको बताऊं कि 2010 में ये जो येडियुरप्पा हैं, बीजेपी के जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो एक चुनावी सभा में आए टीपू सुल्तान का वेश पहनकर, टीपू सुल्तान की तलवार हाथ में लिए, और उन्होंने उस प्रकार से बात की। और तीसरा आपको बता दूं कि अभी हमारे जो पिछले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी थे, उन्होंने टीपू सुल्तान के जब जयंती हुई तो एक संदेश दिया कि टीपू सुल्तान एक महान राजा था, बहुत बहादुर राजा था, उसने रॉकेट, उस समय के रॉकेट के लिए भी उसने ये किया। तो ये तब तक की बात है। अब उसके बाद क्या हुआ कि कर्नाटक में धीरे धीरे जैसे सांप्रदायिकता बढ़ने लग गई, उन्होंने अपने निशाने के रूप में टीपू सुल्तान को चुना और टीपू सुल्तान के बारे में ये भ्रांति फैलाई कि उसने मंदिरों को तोड़ा, उसने ब्राह्मणों का कत्लेआम कराया, जबरदस्ती धर्मांतरण कराया, और उसने जो है एक हिंदुओं के विरोध में चलकर नीति लगाई। उसी के साथ साथ उसने वहाँ पर्शियन लैंग्वेज को लागू किया प्रशासन में। ये 4-5 बातें उनके लिए कही जाती हैं जो कि सरासर गलत है। इससे अगर मैं एक एक करके उसमें बताना चाहूँगा कि पहले तो देखिए कि टीपू सुल्तान मेरे ख्याल से चंद राजाओं में हैं जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए। 1799 में फोर्थ एंग्लो मैसूर वार में टीपू सुल्तान शहीद हुए, और अंग्रेजों से उस समय तो 1857 के पहले किसी राजा ने इस प्रकार से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में किसी की हत्या नहीं हुई थी। दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा कि जब अंग्रेजों से मुकाबला चल रहा था, अंग्रेज तो धीरे धीरे एक एक राजा को हरा कर अपने साथ जोड़कर राज्य का विस्तार कर रहे थे, टीपू सुल्तान ने ये बात समझ ली। तो उसने पूना के जो रघुराम पटवर्धन थे,
और हैदराबाद के निजाम का परिवार जो था दोनों को कहा कि हमारे आपस के जो झगड़े हैं वो हम निपट लेंगे, पर अंग्रेजों के खिलाफ हमें एक हो जाना चाहिए। तो ये खैर वो रघुनाथ राव पटवर्धन ने भी उनकी बात नहीं सुनी, निजाम ने भी उनकी बात नहीं सुनी, तो दोनों के साथ उनकी लड़ाइयाँ हुई जिसमें वो काफी कमजोर हो गए और अंग्रेजों की सत्ता बढ़ने लग गई। ये उसके पीछे का इतिहास है। जहाँ तक पर्शियन का सवाल, उसको पहले मैं क्लियर कर दूं, उस समय जो पर्शियन भाषा थी वो ज्यादातर राज दरबारों की भाषा थी। हमारे महाराष्ट्र में आप देखें तो छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनका हम बहुत आदर करते हैं, उनका भी कॉरेस्पॉन्डेंस, उनका भी पत्र व्यवहार पर्शियन में चलता था, और मौलाना हैदर अली उनके जो थे वो उनके सबसे बड़े सलाहकार थे, जो उनका पत्र व्यवहार पर्शियन में देखते थे। तो पर्शियन उस समय एक प्रकार से भाषा थी एडमिनिस्ट्रेशन की, ये उन्होंने जानबूझ के कोई कन्नड़ा को ये नहीं किया। चौथी मैं सकारात्मक बात से शुरुआत करूंगा कि टीपू सुल्तान के पहले भी उनके पिता हैदर अली ने मैसूर में 10 दिन का दशहरा, ये जरा ख्याल कीजिएगा आनंद जी, 10 दिन का दशहरा बहुत जोर शोर से मनाने की परंपरा शुरू की, जो टीपू सुल्तान ने उतने ही जोर शोर से बनाया। और आज भी अगर आपको याद हो तो मैसूर का दशहरा बहुत प्रसिद्ध है। पांचवी बात मैं बता दूं कि उनके जो सबसे बड़े सलाहकार थे उनका नाम था पूर्णैया। अब आप यहां से देख लीजिए, उनके सलाहकार हैं पूर्णैया जो ब्राह्मण हैं और ज्यादातर मसलों में उनकी राय देते हैं, तो अब आप सोचिए कि वो हिंदुओं के खिलाफ क्यों होंगे, हिंदुओं के खिलाफ होते तो इस प्रकार से नहीं है। हाँ ये बात है, कुछ हिंदू कम्युनिटीज, कुछ क्रिश्चियन कम्युनिटीज जो उनके राज्य के बाहर थी, जो अंग्रेजों की मदद कर रही थी घुड़सवारी के रूप में, दूसरे रूप में, टीपू सुल्तान ने उनके खिलाफ एक्शन लिया, और वो राजद्रोह के हिसाब से, अपनी सत्ता के हिसाब से। ऐसे ही उन्होंने कुछ मुस्लिम कम्युनिटी, जो महादवीज नाम की एक मुस्लिम कम्युनिटी थी वो जो भी घुड़सवारी करती थी, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दिया, इन्होंने उसके खिलाफ भी एक्शन लिया। ठीक है, अब जहां तक मंदिर का सवाल आता है, अब देखिए मंदिर, मैंने रघुनाथ राव पटवर्धन की बात की, तो उन्होंने जब मैसूर पे आक्रमण किया तो श्रृंगेरी मठ को नुकसान हुआ, वो उसमें बहुत क्षति हुई। और आपको हैरानी होगी, एक हिंदू राजा जो पेशवा है जो आक्रमण करता है, श्रृंगेरी मठ को नुकसान होता है, और टीपू सुल्तान उस मंदिर के मुखिया चीफ ट्रस्टी हैं, वो पूरे मंदिर का मरम्मत करवाते हैं, पूरे मंदिर को पूरा दान देते हैं ताकि वो मंदिर मठ पूरे से आए। पांचवी बात बताता हूँ कि श्रृंगेरी काम कोटी पीठम के शंकराचार्य, जो हिंदुओं के सबसे बड़े आचार्य हैं, टीपू सुल्तान को जब भी युद्ध पे जाना था या दूसरी जगह पे जाना था तो सबसे पहले वो शंकराचार्य का आशीर्वाद लेते थे। और कुछ पत्र मौजूद हैं जो टीपू सुल्तान ने शंकराचार्य जी को लिखे थे। और उस पत्र की शुरुआत कैसे होती है, पत्र की शुरुआत होती है, जगत गुरु शंकराचार्य, मैं टीपू सुल्तान आपको सादर प्रणाम करता हूँ, वगैरह वगैरह, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, ये चीजें करते हैं। पांचवी बात, छठवीं बात जो ज्यादा अभी पता है, हमारे महाराष्ट्र में एक सरफराज शेख नाम के नौजवान रिसर्चर हैं, उन्होंने टीपू सुल्तान के समय के पर्शियन डॉक्यूमेंट्स का मराठी में अनुवाद किया है। और उसमें एक जो उनका डॉक्यूमेंट है वो है मैनिफेस्टो ऑफ टीपू सुल्तान, अंग्रेजी में कहा जाए तो टीपू सुल्तान का घोषणा पत्र। उसमें वो क्या बात कहते हैं कि मेरे राज्य में हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, ईसाई भी हैं, मेरे लिए सभी प्रजा एक समान है और मेरा कर्तव्य है राजा के रूप में कि मैं उनकी रक्षा करूं, नंबर एक। नंबर दो, मैं किसी के खिलाफ कोई भेदभाव ना करूं, ये उनके मैनिफेस्टो का अनुवाद अभी इस किताब में आया है। तो लुब्बो लुआब ये है कि जो उनके खिलाफ धर्मांतरण के लिए भी बातें फैलाई जाती हैं। तो एक सरल बात है कि उस समय जब ब्राह्मण ही उनके प्रशासन में थे तो ब्राह्मणों के खिलाफ एक्शन क्यों लेते, ये दूसरी बात है। और इसके कोई प्रमाण नहीं, ये तो धीरे धीरे बात को बनाया जा रहा है। पहली बात तो क्या है, उनके खिलाफ प्रोपोगंडा में अंग्रेजों ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। अंग्रेजों ने रोल प्ले क्यों किया है, क्योंकि टीपू सुल्तान एक राजा थे जो कभी भी जिन्होंने अंग्रेजों से समझौता नहीं किया, उनके खिलाफ लड़ते हुए मारे गए, तो इसलिए अंग्रेजों ने उनके बारे में इस प्रकार की अफवाहों को फैलाया और कहते हैं हाँ भाई वो इंग्लैंड में कुछ लेटर्स पड़े हैं,
जो टीपू सुल्तान की क्रूरता को दिखाते हैं, वो रेपिस्ट था, वो कन्वर्टर था, वगैरह वगैरह। पर ब्रिटल बैंक और बेल नाम के जो दो इतिहासकार हैं, उन्होंने इसके बारे में बिल्कुल स्पष्ट लिखा कि उसकी राजनीति, उसकी नीति जो थी, वो पूरी प्रजा को साथ में लेकर चलने वाली थी। और अपने राज्य की रक्षा करने के लिए अगर उसको मुस्लिम महाद्वीप को अटैक करता था तो कुछ हिंदू और क्रिश्चियन कम्युनिटीज को भी अटैक करता था, पर राज्य के अंदर वो उनके साथ पूरी सद्भावना से रहता था। और अंतिम मुद्दा जो मैं कहना चाहूंगा, दो पॉइंट और कहूंगा, कि आज भी मैसूर के आसपास लोक गाथाओं में और लोक कविताओं में टीपू सुल्तान को बहुत आदरणीय तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। और इसी बात को देखकर जो कन्नड़ के बहुत मशहूर जो रंगकर्मी थे, महान रंगकर्मी गिरीश कर्नाड, वो लिखते हैं, जो जिस प्रकार से महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज का रुतबा है, वैसे ही रुतबा मैसूर में टीपू सुल्तान का होता अगर वो हिंदू होते, क्योंकि वो मुसलमान है, इसीलिए उन पर पूरा इस प्रकार से लांछन लगा के आज के मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश की जाए। तो ये उसका मुख्य रूप से है। वो भी एक राजा थे, और वो खास बात यह है, जैसे रामनाथ कोविंद जी ने अपने पत्र में कही, और वो ये बात उन्होंने ये कही कि टीपू सुल्तान उस समय भी टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत ज्ञान रखता था, और उसने कोशिश की कि मिसाइल, जो अभी तो मॉडर्न मिसाइल आ गई, APJ अब्दुल कलाम वगैरह वगैरह, तो उस समय तो उन्होंने अपने राज्य में मिसाइल का विकास करने की कोशिश की। तो ये पूरी चीजों को हम देखें तो ये स्पष्ट हो जाता है, वो भी एक राजा था दूसरे राजाओं की तरह, जो अपनी प्रजा का ध्यान रखता था और अपने राज्य को विस्तार करने की कोशिश तो हर एक राजा करता है। और उसमें जो हिंदू मुस्लिम एंगल डाला गया है, जैसे मैंने बताया पहले, RSS ने भी उनकी तारीफ में किताब निकाली, येडियुरप्पा ने भी उनकी तारीफ में उनका वेशभूषा पहनी, रामनाथ कोविंद जी जो RSS परिवार से आते हैं उन्होंने भी उनकी तारीफ में कही। पर अभी खैर, अभी पिछले कुछ सालों से, खास तौर से पिछली बार जब कांग्रेस सरकार थी, तो कांग्रेस सरकार ने टीपू सुल्तान जयंती मनाने की सरकारी तौर पर घोषणा की, और तब से ये लोग उसका विरोध करने के लिए, उनको बदनाम करने के लिए, चुनावी लाभ के लिए, ध्रुवीकरण के लिए, इस प्रकार की भाषा अमित शाह जी जो है वो बोल रहे हैं। जी प्रोफेसर साहब, मैं एक थोड़ा सा विषयांतर करके एक आपसे जल्दी से एक और टिप्पणी ले लूं। जब आपने भाषा की बात की थी, आपने पर्शियन बोला था कि पर्शियन, मैं जब आप गुरु ट्रेडिशन देखें जो सिखों का, दसो उसमें बहुत सा पर्शियन में लिखा गया है, ओरिजिनल जो लिखा है गुरुओं ने पर्शियन में लिखा है। तो पर्शियन को मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, भाई उर्दू तो हमारी भाषा थी, हिंदुस्तान में जन्मी भाषा को उर्दू है, और आज हम उसको मुसलमानों के साथ जोड़ देते हैं, तो इस पे भी एक जल्दी से एक टिप्पणी चाहूंगा कि ये पर्शियन को हम लोग एंटी हिंदू या उसको मुसलमान के साथ जोड़ना क्या उचित है, क्योंकि ये तो हमारे हमारे लोगों ने इसको यूज किया था। देखिए, पर्शियन भाषा का जहां तक सवाल है, पर्शियन और हिंदी भाषा के मेल जोल से उर्दू निकली है, तो उर्दू खालिस भारतीय भाषा है, और किसी देश में उर्दू भाषा नहीं पाई जाती। और जहां तक पर्शियन का सवाल है, आपको मैं एक छोटा सा किस्सा बताऊं कि एक बार वो इरफान हबीब साहब से कोई पत्रकार पूछने गए कि ये शहरों के नाम बदल रहे हैं, अलाहाबाद का प्रयागराज हो गया, फैजाबाद का अयोध्या हो गया, ये क्यों हो रहा है? तो इरफान हबीब साहब ने मजाक किया कि भाई देखिए, ये जो मुसलमानों का मेल जोल से यहाँ बातें आई हैं, अभी की सरकार उनको दूर करना चाहती है, ये जो हिंदू राष्ट्र के नाम पे चल रही है। फिर उन्होंने मजाक में ये भी कहा कि अगर उनको ऐसा करना है तो सबसे पहले तो शाह नाम को बदलना चाहिए, जिनका सरनेम शाह है उसको बदलना चाहिए, शाह भी ये पर्शियन से आया है। अब कितने हमारे खाने पीने की चीजें, आपके मुंह में मैं थोड़ा पानी लाता हूँ, आप अगर जलेबी देखिए, बिरयानी देखिए, ये उधर से ही आई है, ये पूरी मानवता की है। इसमें हम जो दीवारें डालते हैं वो हमारे वसुधैव कुटुंबकम के विचारों के खिलाफ है। मैं तो इसको उस तौर पे कहूंगा कि पर्शियन भी आई, पर्शियन के प्रशासन में पर्शियन चली, और आम बाजार में उर्दू भाषा का विकास हुआ, जो भारत की एक महत्वपूर्ण भाषा है। मैं खास तौर से निजी रूप से इसको इसलिए जानता हूँ कि मेरे पिताजी उर्दू में ही हिसाब किताब लिखते थे, और मेरा जो विकास हुआ है उसमें मुंशी प्रेमचंद का बहुत रोल है। मैंने वो मुंशी प्रेमचंद के बारे में जब पढ़ा, तो मुंशी नाम इसलिए पढ़ा क्योंकि पहले वो उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि हिंदी का महानतम साहित्य, मेरे हिसाब से महानतम साहित्य साहित्यकार
उर्दू से अपनी शुरुआत करता है और फिर किसी कारण से हिंदी में शिफ्ट होता है। जी रोज साहब, मैं अब फिर से वापस मैं टीपू जी पे आ जा रहा हूँ। टीपू सुल्तान का एक वाक्य और मुझे, क्योंकि जब मैं एपीजे अब्दुल कलाम को पढ़ रहा था तो उन्होंने अपने ओपनिंग उसमें लिखा है कि जब वो नासा में गए और जो सबसे बड़ी पेंटिंग उनके रिसेप्शन पे लगी है वो टीपू सुल्तान के उस मिसाइल, मतलब नासा में जा रहे हैं जिसको मिसाइल, और वो कहते हैं कि उनसे जब पूछा तो उनको ये आश्चर्य हुआ कि हम टीपू सुल्तान को कुछ नहीं मानते हैं, नासा वाले उसको जनक मानते हैं मिसाइल उसका। तो इसमें भी एक, तो क्योंकि ये कहीं ना कहीं हम अपने को छोटा कर रहे हैं, अपने कद को ही छोटा कर रहे हैं, इसमें भी एक टिप्पणी। हाँ जी, बहुत अच्छी बात आपने ये कही कि नासा वाले उसको मानते हैं, क्योंकि टीपू सुल्तान ने, उसके पिता हैदर अली ने इसकी शुरुआत की थी। और टीपू सुल्तान टेक्नोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट रखता था और वो उस समय फ्रेंच लोगों से इंटरेक्ट करता था मिसाइल के डेवलपमेंट में, और उसने खुद होके मिसाइल टेक्नोलॉजी जो विकसित की, कई बार उसने उसको युद्ध में लाया कि नहीं, और उसकी बहुत रुचि थी वॉरफेयर टेक्नोलॉजी। और नासा ने उसी बात को पकड़ा कि पुराने लोगों में से कौन था वो व्यक्ति जिसने इस प्रकार की टेक्नोलॉजी को पकड़ा, और उसमें टीपू सुल्तान का नाम तो निश्चित रूप से सबसे पहले आएगा ही, क्योंकि उन्होंने इस पे काफी विकास किया इस बात का। जी जी प्रोफेसर, एक चीज और, मैं क्योंकि मैं किसी और कहीं पढ़ रहा था, ये जो टीपू सुल्तान का एक एक इसलिए भी लोग, कुछ लोग विरोध करते हैं, कोंकण रीजन के जो क्रिश्चियंस थे, जब वो क्योंकि अंग्रेजों का साथ दिया था, और उस समय इसने सबक सिखाने के लिए टीपू सुल्तान ने कि आगे से जो उनका राष्ट्र था उसके अगेंस्ट कोई इस तरह की बात ना करें, उनको वहां लेके आए अपनी राजधानी और फिर उनके ऊपर जैसा कहा था जुल्म ढाए गए इत्यादि इत्यादि। तो वो वॉर ऑफ मतलब वो तो राष्ट्र वैसा संघर्ष था ना, वो कोई उसका कोई रिलीजन से तो लेना देना नहीं था। देखिए आनंद जी, मैंने पहले बताया कि कुछ क्रिश्चियन कम्युनिटीज, कुछ मुस्लिम, कुछ हिंदू कम्युनिटीज और कुछ मुस्लिम कम्युनिटीज, तीनों को उसने उनको सजा दी। सजा इसके लिए नहीं दी कि उनका धर्म क्रिश्चियन है या हिंदू है या मुस्लिम है, सजा इसलिए दी कि वो अंग्रेजों का साथ दे रहे थे लड़ाई में, खास तौर से घुड़सवारी केस में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दिया, इसलिए उन्होंने इसका किया। बाकी क्रिश्चियन कम्युनिटी से उनके संबंध बहुत अच्छे थे, हिंदू कम्युनिटी से संबंध बहुत अच्छे थे, और उसका एक प्रतीक तो मैंने बताया कि जो पूर्णैया उनके जो मुख्य एडवाइजर थे, सलाहकार थे, प्रधानमंत्री जो भी कहे, तो उससे तो पूरा स्पष्ट दिखता है कि धर्म के आधार पे उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया। और फिर मैंने मैनिफेस्टो ऑफ टीपू सुल्तान का उल्लेख किया है, मैं उम्मीद करता हूँ ये इंग्लिश में जल्दी आए। उसमें तो कहते हैं मेरे लिए सभी प्रजा, मैं सभी मेरी पूरी प्रजा की रक्षा करना एक राजा के रूप में मेरा कर्तव्य है, मैं उसमें धर्म का भेदभाव नहीं देखूंगा। ये गलत चीजों को लोग भड़कावा दे रहे हैं। जी, मैं एक अंतिम प्रश्न और आपसे पूछ ले रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने पढ़ा तो टीपू सुल्तान का जो अंतिम दिन रहता है, जिस दिन उनके मतलब 4 मई शायद 1799 मई का कोई महीना, श्रीरंगपट्टनम पूरी तरह से घिर गया है, अंग्रेज अंदर घुस रहे हैं, उस दिन उनको ज्योतिषी ने बताया था कि ये दिन आपके लिए ठीक नहीं है। और वो जब सुबह उस जैसा होता है, पंडित जी लोग बताते हैं, वो प्रभाव दूर करने के लिए उन्होंने जो आखिरी 2-3 काम किए थे उसमें से एक पंडित जी को उस एक मंदिर के लिए दान दिया, उनको कुछ एक तिल दिया, कुछ 200 रुपया दिया, और उन्होंने जो आखिरी काम किया था तो उनको लगा था कि सर धर्म मानते थे ना कि शायद इससे मेरी बला होगा जैसा जैसा। हाँ, और लास्ट वाला ये है कि वो जब जब उनके जिसने विश्वासघात किया और उनके सबसे साथ घनिष्ठ साथी का जब जब हत्या होती है, मतलब या शहीद होते हैं, तो खाना छोड़ के चले गए थे, और तो वो आखिरी दिन वाला भी, क्योंकि वो लड़ता हुआ मारा गए थे, उनको बहुत बार मौके थे कि वहां से भाग सकते थे, उनके अंगरक्षक ने कहा कि यहाँ से निकलिए, बट ही सेड कि नहीं, आई वांट टू डाई एज अ फाइटिंग सोल्जर। देखिए मेरे ख्याल से 1857 की बात को छोड़ दे तो उसके पहले वो एक ही राजा हैं इस क्षेत्र के जो अंग्रेजों से लड़ते हुए मारे गए, उन्होंने युद्ध में पीठ नहीं दिखाई और पूरा वार अपनी छाती पे लिया। अब राजा के रूप में कभी भी वो रिट्रीट कर सकते थे, कई राजा लड़ाई में देखते थे कि भाई अपना पलड़ा कमजोर हो रहा है तो पीछे निकल चलो, पतली गली से सरक लो, तो अपनी सेना के लिए एक आदर्श थे, अच्छे फाइटर थे, ये बात तो सभी लोगों ने, रामनाथ कोविंद जी ने भी कही, आरएसएस की जो भारत भारती की किताब थी उसमें भी कही कि वो एक योद्धा के रूप में बहुत महान थे, और इससे आप जो बता रहे हैं उससे पता चल रहा है वो बहादुर भी थे और धर्म के आधार पे भेदभाव नहीं करते। अब अंधविश्वास या विश्वास जो भी हो पामिस्ट्री में उस पे ऊपर मैं नहीं जाऊँगा,
पर पंडित है तो उसको निग्लेक्ट करना, मौलवी है उसको आदर करना, ऐसा उनके इसमें नहीं। जो इस बात से सिद्ध होता है कि शंकराचार्य को जगत गुरु कहते हैं। अब इससे ऊंची उपाधि आप क्या दे सकते हैं एक हिंदू संत को जो वो करते थे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब। और मैं इसलिए क्योंकि मेरे दर्शकों को भी पता लगे कि टीपू सुल्तान एक एवरेज इंडियन के लिए इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड, और वो हम जब दुनिया जाते हैं तो हमारे लिए वो गर्व की बात है कि टीपू सुल्तान के देश से हम आ रहे हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।